अब हम ही जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने, फजर की नमाज़ पढ़ के आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। सलाम अलैकुम। तो आज ईद है, तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, अब जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने। ठीक है, मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। अब सुबह का वक्त है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने। देख रहे हो सुबह सुबह एकदम, सुबह का एकदम मौसम हो रखा है, इतना मस्त लग रहा है। ये देखो यहाँ की मस्जिद, इसी में होगी ईद की नमाज हमारी, तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर। हम लोग मस्जिद के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हो ये मस्जिद के अंदर का व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हो, है ना। तो हमारी नमाज अब हो गई है ईद की, आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूम पे, सेवई पीने के लिए भाई के रूम पे जाएंगे, क्योंकि भूख थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। तो आओ आप हमारे साथ सेवई पीते हो। ये देखो हमारी छोटी सी कटोरी में सेवई। सेवई पीने के बाद अब हम थक गए हैं, हमको नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, अब मुझे सोना है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, सब गए हैं गांव में, सिर्फ मेरी गाड़ी है यहाँ पे। अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अब चलता हूँ अंदर, बहुत जो नींद आ रही है, थक गया हूँ बिल्कुल। भाई साहब ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी होती है, सोने जा रहा था तब से मैडम का कॉल आ गया, बोलती है आ जाओ लेने, तो अब मैं जा रहा हूँ उसको लेने। आप देख सकते हो ये गाँव की रोड है, गाँव की रोड ना सिंगल होती है, एक ही रोड पर एक गाड़ी आती है, इधर से जाती है उधर से आती है, ऐसा होता है। अब देख सकते हो जो घर दिख रहा है ना, ये पुराना सा, ये बहुत पुराना घर है। ये मैं अंदर आ गया हूँ बिल्कुल, अंदर पहाड़ियों के अंदर, ये गांव के अंदर ही आ गया हूँ बिल्कुल। ये इधर देख रहे हो आप, दूर दूर तक पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं, घर दिख नहीं रहे हैं। तो ये अंदर का इलाका है, आप देख सकते हो, इस यहाँ पर आओगे ना घर ज़्यादा दिखेंगे ही नहीं। तो चलो फिर चलते हैं मैडम को लेकर, वहाँ पर छोड़ के आते हैं। अब मैंने छोड़ दिया वहाँ पर, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर। अब देख सकते हो ये ब्रिज है, इसके नीचे से हम जाएँगे। यहाँ पर ऐसे ही रोड होते हैं, देख रहे हो ये जो रोड है ना, यहाँ पे स्पीड इसकी है 110, 110 के स्पीड में कार जाती है और 70 के स्पीड में बस ट्रक वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं रोड पे, देख सकते हो ये जो है डबल रोड है, एक तरफ से गाड़ी आती है एक तरफ से जाती है। वो जो गांव में रोड था वो सिंगल रोड था, एक ही तरफ से आती है एक ही तरफ से जाती है। अभी देख सकते हो आप, ये मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, यहाँ पे भी टावर होते हैं यार अपने यहाँ जैसे थे ना, देखो ऐसे भी टावर इधर भी होते हैं कहीं कई जगह पे, आपको देखने को मिलेगा। बाकी रोड तो बहुत अच्छे हैं यार यहाँ के, ये पूरा हाईवे पूरा एकदम पहाड़ को काट काट के रोड बनाया गया है, अच्छा लगता है यार, गाड़ी भी चलाने में मज़ा आती है। लेकिन अभी मुझे नींद लगी है यार, मेरी नींद पूरी हुई नहीं है और ऊपर से ड्यूटी आ गई है, आँख तो लाल हो गई है। ये देखो बड़ा सा LCD देख रहे हो। अब हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं बिल्कुल, जाएंगे अब दोस्त के रूम पे, उधर से वहीं पियेंगे खाना खाएंगे, फिर जाएंगे अपने रूम पे, फिर सोएंगे उधर। तो भी हम जा रहे हैं, रास्ते में इशारा पड़ता है तो हम इशारे पर रुकते हैं। अब ये बोर्ड से देख सकते हो, अगर आपको अरबी आती है तो आप इसको समझ सकते हो क्या लिखा है क्या नहीं। बाकी आपको डिस्टेंस कितना रखना होता है गाड़ी के बीच में, आप देख सकते हो, ये गाड़ी रोकी मैंने, ये डिस्टेंस दिख रहा है ना बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आपको इतना डिस्टेंस रखना है गाड़ियों के बीच में, आपको ज़्यादा गाड़ी सटानी नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाई है बिरयानी, अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। आप देख सकते हो ये पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो रोड के बगल बगल में ये पेड़ लगे हैं ना, कितने खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हैं। यही तो खूबसूरती है यहाँ की, कि सब कुछ साफ सफ सुथरा रहता है एकदम से। अब जा रहे हैं अपने रूम पे। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ रूम पे और मेरी आंखों में नींद भरी पड़ी है, अब मैं
सोने जा रहा हूँ, ठीक है? आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।